हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बीएड सेकंड ईयर के एक सब्जेक्ट कंप्यूटर एजुकेशन को देखेंगे, जिसका सब्जेक्ट कोड है E504। और फ्रेंड, ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, चार कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं और एक आपका ऑप्शनल होता है। इसमें आप एनवायरमेंट ले सकते हैं, फिजिकल ले सकते हैं, कंप्यूटर एजुकेशन ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं। तो ये आपको सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। और फ्रेंड, दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, कंप्यूटर एजुकेशन जो है बहुत कम, जो CCS यूनिवर्सिटी से बच्चे कर रहे हैं, बहुत कम बच्चे सब्जेक्ट लेते हैं। तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन पेपर जो है रिपीट होकर आता रहता है, घुमा फिरा करके ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर में जो आपको क्वेश्चंस हैं, आप उनको अच्छे से कर लें, जो जनरली आपने 11th 12th में या आपने 9th 10th में, जैसे भी आपके बोर्ड में जैसे पढ़ाया जाता होगा, उसमें भी आपने पढ़े होंगे। तो फ्रेंड, ये खास बात हो रही है कि 40 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है। तो फ्रेंड, ये आपको याद रखना है कि 40 3 घंटे का पेपर है, 40 मार्क्स का है, तो आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसमें भी ABC 3 सेक्शन होते हैं। तो फ्रेंड, इसको हम देखते हैं। तो फ्रेंड, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, डिस्कस वेरियस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इन डिटेल। कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों की विस्तार से विवेचना कीजिए, अथवा डिस्कस इन डिटेल वेरियस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस तो आप जानते होंगे फ्रेंड, जैसे आपका पेन ड्राइव हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया यानी कि CD, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क हो गया यानी कि DVD। फिर नेक्स्ट है इसमें आपका, डिस्कस एनी 4 इनपुट डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर इन डिटेल। कंप्यूटर की किन्हीं 4 इनपुट युक्तियों की विस्तार से चर्चा कीजिए। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, माइक हो गया और आपका स्कैनर हो गया फ्रेंड, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसमें आपका, और जो आपका ऑप्शनल में है, कन्वर्ट द फॉलोइंग 294 base 10 इनटू बाइनरी, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 1011.101 base 2 इनटू हेक्साडेसिमल। और नेक्स्ट है आपका 52 base 8 इनटू हेक्साडेसिमल, और डी है आपका AF इंटू बाइनरी। तो ये आपको कन्वर्ट करके दिखाना होगा फ्रेंड। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ पावर पॉइंट एंड MS Excel। पावर पॉइंट तथा MS Excel के लक्षणों की व्याख्या कीजिए, अथवा एक्सप्लेन द यूज ऑफ कंप्यूटर इन द फॉलोइंग एरिया, क्लासरूम, टीचिंग और बी है आपका एग्जामिनेशन वर्क, यानी कंप्यूटर के निम्नलिखित क्षेत्रों में उपयोग की व्याख्या कीजिए, कक्षा कक्ष, शिक्षण में, परीक्षा कार्यों में। अब सेक्शन बी है आपका, इसमें आपको फ्रेंड्स 4 क्वेश्चन हैं जो 2-2 नंबर के हैं, तो वो आपको करने हैं। और आपको 8 क्वेश्चन दिए, 8 में से 4 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि आपका सेक्शन बी है। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड आपका, राइट शॉर्ट नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के वर्गीकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू नो अबाउट रैम एंड रोम, एक्सप्लेन। रैम तथा रोम से आप क्या समझते हैं, समझाइए। डिस्कस इन ब्रीफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर के विभिन्न प्रकारों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। फिर नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन एंड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ये फ्रेंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार ही पूछा जाता है। फिक्स पॉइंट निरूपण तथा फ्लोटिंग पॉइंट निरूपण से आप क्या समझते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट शॉर्ट नोट ऑन इंटरनेट एंड इट यूज़। इंटरनेट तथा इसके उपयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन रिसर्च एक्टिविटीज़। अनुसंधान गतिविधियों में कंप्यूटर के उपयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड आपका, एक्सप्लेन इन ब्रीफ CAI एंड CAL। CAI तथा CAL की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। फिर नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट की उपयोगिता की व्याख्या कीजिए। फिर नेक्स्ट है आपका सेक्शन सी, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। इसमें 8 क्वेश्चन आपको करने हैं और जो 1-1 नंबर के हैं। तो इसमें पहला आ जाता है आपका, कंप्यूटर डेट आर यूज टू प्रोसेस डाटा फ्रॉम स्पेसक्राफ्ट एंड सबमरीन्स आर, ठीक है। तो कंप्यूटर द्वारा अंतरिक्ष यान तथा पनडुब्बी से डेटा प्रोसेस किया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका, IBM 370 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि IBM 370 जो है वो PD के कंप्यूटर का उदाहरण है। तो ये आपका फ्रेंड्स फिल इन द ब्लैंक्स हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पार्ट्स ऑफ सीपीयू डज ऑल द कंपैरिजन एंड कैलकुलेशन इज, यानी कि सीपीयू का वह अंग जो समस्त तुलना एवं गणनाएं करता है। तो फ्रेंड आप जानते हैं प्रोसेसर जो होता है वो करता है। यूआरएल स्टैंड फॉर, यूआरएल का पूरा नाम है डिवाइस यूज टू चेंज द कंप्यूटर सिग्नल टू टेलीफोन सिग्नल एंड वाइस वर्सा इज मॉडम। ये आप जानते हैं मॉडम क्या होता है, जो कंप्यूटर के सिग्नल होते हैं उसको टेलीफोनिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और टेलीफोनिक सिग्नल जो होते हैं उसको कंप्यूटर सिग्नल में ये कन्वर्ट करता है। तो युक्तियों की सहायता से कंप्यूटर संकेतों को टेलीफोन संकेतों या इसके विपरीत भी बदला जा सकता है। फिर नेक्स्ट है आपका ट्रू फॉल्स, सत्य असत्य। बाइनरी लैंग्वेज इज मेड ऑफ टू डिजिट 1 और 2, ये फॉल्स है आपका। बाइनरी क्या होती है आपकी, 1 और 0 से होती है, तो फॉल्स हो जाएगा। द सी पी यू प्रोसेसिंग स्पीड इज मेजर इन MIPS, तो सी पी यू की कार्य गति MIPS में नापी जाती है। तो ये फ्रेंड ये भी फॉल्स है आपका, MBPS में नापी जाती है, यानी कि मेगा बाइट पर सेकेंड में। इंटरनेट एंड एक्स्ट्रानेट आर द पार्ट ऑफ इंटरनेट, ये आपका ट्रू है। इंटरनेट तथा एक्स्ट्रानेट इंटरनेट के भाग हैं, तो ये आपका क्या है फ्रेंड, ट्रू है। फिर नेक्स्ट है अ बाइट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, तो फ्रेंड ये आपका फॉल्स होगा, सबसे छोटी यूनिट होती है बिट, BIT, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ऑनलाइन प्रोसेसिंग इज ऑल्सो नॉन एज रियल टाइम प्रोसेसिंग, तो ऑनलाइन प्रोसेसिंग को रियल टाइम प्रोसेसिंग भी कहा जाता है। तो फ्रेंड इसको मेरे को पता नहीं है, तो ये आप अपने बुक में सर्च करें। तो फ्रेंड ये था आपका कंप्यूटर साइंस का पेपर, और फ्रेंड ये पेपर रिपीट होकर आता रहता है। तो जो भी बच्चे कंप्यूटर साइंस वगैरह का पेपर दे रहे हैं या कंप्यूटर सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं बीएड में, तो इसको क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देख कर जाएं, क्योंकि जो आपके 8 नंबर के शुरू के 3 क्वेश्चन हैं वो भी घुमा फिरा कर ऐसे पूछे जाते हैं, और 4 नंबर के भी थोड़ा बहुत फिल इन द ब्लैंक्स में इन सब में थोड़ा घुमा फिरा देते हैं या कोई नया उठा कर दे देते हैं, पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड चैनल पर बने रहिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू वेरी मच।